A living legend. एक हिट गाना नहीं, दो हिट गाने नहीं, तीन हिट गाने नहीं, लातादाद सुपर डुपर मेगा हिट गाने, और वो गाने नहीं जो कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ सालों के लिए लोगों की समातों, दिलों और जहनों में जिंदा रहे, तब हिट हुए थे, आज भी सुपर हिट है, एवरग्रीन। ऑन साहब उनका गाना गाएंगे तो पूरा पाकिस्तान समझ जाएगा कौन आ रहा है। सैयोनी मेरा अली आदिल सर पाग जगाने लगा, सैयोनी मेरा माही मेरे पाग जगाने लगा, इस लगना जी मेरा झड़ में नूर बनाया गया। इंज लगता जिवें रांझण मेरा लेला नू आवण आ गया। सर दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, इमरान अशरफ के बचपन की तरफ से, पाकिस्तान की लाखों करोड़ों जवानियों की तरफ से, पाकिस्तान के उन तमाम स्टेजेस की तरफ से कि जब अली हैदर स्टेज पर आते थे तो क्राउड अपने पैरों पर खड़ा होके अपने तमाम गम भूलकर एक मेगा स्टार की तरफ देखता था, उन तमाम नजरों की तरफ से सर वेलकम टू पाकिस्तान। ओ सांबा की गल है बाबा, मुझको ये तो बताओ अली हैदर कौन सी पिसी चक्की का आटा खाता है? माशाल्लाह आज भी एवरग्रीन, पहले भी एवरग्रीन। सर इस बात में तो कोई शक नहीं है, खूबसूरती हुस्न और जवानी, वो क्या कहते हैं उर्दू में कि बाल भी बांका ना हुआ। वाह सर, पूछे मत कितने बांके हो चुके हैं। थोड़ा सा मेकअप आर्टिस्ट का भी कमाल है, और उसके अलावा ये इतनी दुआएं और इज्जत कहीं मिले तो लगता है कि एक खून का ऐसा आपके ऊपर सैलाब आता है तो वो आपको जिंदा रखता है। क्या बात, तो बस यही दुआएं हैं मेरे ख्याल में, तो कुछ भी नहीं है बाकी। तो दुआवां ते पाजी इन्होंने भी बहुत होंगी, इन्हां दे बेड़े क्यों गर्क होए। अली भाई वेलकम टू मुज़ाकरात। सर बहुत शुक्रिया, और आज मैं आपके लिए एक अनोखे अंदाज में एक दो अशआर कहूँगा। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। आया, 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 आया,
अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ देख तेरा जाता क्या है। थैंक यू सो मच। अरे बहुत खूबसूरत अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रोजमर्रा के दिन को ईद की शक्ल दी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा अली भाई, आपकी कानों में रस घोलती आवाज आज भी उसी तरह दिलों को महसूस करती है। उस 90s का जो एरा था और आज लगता है आज भी हम वहीं पे उसी गलियों में ही घूम फिर रहे हैं। तो मैं सच बताऊं आप लोगों को कि आप सबने मुझे ना लाजवाब कर दिया है, यानी हर एंगल से जिधर भी मैं बात कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, आपने कहा आपकी ईद हो गई एक आम दिन। आप यकीन करें मेरे चंद उन बहुत ही खुश दिनों में कि जिसमें अंदर से आपको लग रहा होता है कि यार आप जी रहे हैं, तो ये वैसा एक दिन है और मेरे लिए भी ईद से कम नहीं है। क्या बात, क्या बात। आप इस काबिल हैं, हम तो समझते जितना भी आपके ऑनर में हमने किया ये कम है, बिल्कुल कम है। सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ पुरानी जीन्स नमी लगी कि नहीं? सर अगर आप मान ही गए हैं कि आज ये इमरान अशरफ और मेरी वो टीम जो कि मुझसे सीनियर है, मुझसे बहुत ज्यादा कारामद है इस शो के लिए, अब अगर इन सबकी ईद हो गई है तो हम आपसे ईदी मांग सकते हैं? हाँ बिल्कुल मांग सकते हैं। सर वो गाना जो दिलों के साथ धड़कता है, yes. सर पुरानी जीन्स की अगर yes, please. बहुत सारी एक जनरेशन ने पुरानी जीन्स को वैसे सुना हुआ है और यकीनन क्योंकि हमारा दौर 90s का था तो, लेकिन ये भी बड़े मज़ेदार एक बात है कि जो वाकई में नानी दादियां हैं हमारी, उनमें भी अक्सर कभी किसी प्रोग्राम में जाना ऐसा हुआ तो किसी खातून से मुलाकात हुई। अच्छा मैं शर्मा रहा था, मैंने बता रहा भी आपका पुरानी जीन्स, मेरी नानी इतना पसंद था उन्होंने जीन दा लाचा कुर्ता सवा ले ते ओसे जीन च फिर नानी दा जीन मरन होया। अच्छा जीन मरन इसकी असल बात ही है कि वो एंड में सराहने के बाद कहती थी अरे बेटा मैं बहुत छोटी सी थी जब से ऐसा यादों का मौसम चला भूलता ही नहीं दिल मेरा पुरानी जी। साथ मौजूद है
म्यूजिक के द लिविंग लेजेंड अली हैदर साहब, और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसे सब प्यार से बोलते हैं मजाक रात। देखते रहिए।